बात है, ये भी बात है। और केजरीवाल खुद घोटालों में फंसे हैं, वो सरकार क्या चलाएंगे? दिल्ली में कितने कितने शिक्षा मंत्रालय में घोटाला हो रहा है, केजरीवाल की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं। आप वो तो कह रहे थे मेरी सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो गई है, अभी VIP लेवल का शिक्षा हम दे रहे स्कूलों में। मेरा DAV स्कूल वसंत कुंज में, उसे स्काइड में सरकारी स्कूल पढ़ता था, मेरे दोस्त उसमें कुछ पढ़ते हैं ना, टीचर आते हैं, बच्चे स्कूलों से कूद रहे हैं, क्या शिक्षा चल रही है ये? ये जरूर देंगे। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए आप, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, हम इसको मिटा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं था क्या? राहुल गांधी जाने हम नहीं, हम अभी हैं, हम 2004 में मेरा जन्म हुआ, अभी हमने हिंदू मुस्लिम दंगे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जब 2019 में दंगे हुए थे, हमारे बोर्ड के पेपर थे 10th क्लास के, कुछ बच्चे जो उस साइड रहते थे, मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा, वेस्ट दिल्ली थी या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के नेता शामिल थे, ताहिर हुसैन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2024 के अंदर। कितने सीट आएंगे? सीट 400 प्लस। क्यों? काम ही देख लो ना, क्या काम करा है, क्या काम करे, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर वो सुलझा दिया उन्होंने, राम मंदिर बना के दिखा दिया, और क्या चाहिए? 500 सालों का स्ट्रगल, 500 सालों का स्ट्रगल, एक साल कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं राम मंदिर बन पाया था? चलिए दिल्ली के रहने वाले ही हैं, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे थे? केजरीवाल जी एक बात बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, DTC बस लड़कियों के लिए फ्री है, औरतों के लिए फ्री है, लड़कों ने ऐसे क्या पाप करेंगे आप उनके लिए फ्री नहीं कर सकते? मेट्रो में महिलाओं के लिए 2 डब्बे हैं आगे, लड़कों के लिए अलग से डब्बे क्यों नहीं बना सकते, आप मुझे ये बताइए। ये भी बात है। और केजरीवाल खुद घोटालों में फंसे हैं, वो सरकार क्या चलाएंगे? दिल्ली में कितने कितने शिक्षा मंत्रालय में घोटाला हो रहा है, केजरीवाल की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं। वो तो कह रहे थे मेरी सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो गई है, अभी VIP लेवल का शिक्षा हम दे रहे स्कूलों में। मेरा DAV स्कूल वसंत कुंज में, उसे स्काइड में सरकारी स्कूल पढ़ता था, मेरे दोस्त उसमें कुछ पढ़ते हैं ना, टीचर आते हैं, बच्चे स्कूलों से कूद रहे हैं, क्या शिक्षा चल रही है ये? समय से उनको कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, बताइए क्या शिक्षा चल रही है? हाँ जी, तो दिल्ली में आपके हिसाब से कौन बेहतर काम करता है? भारतीय जनता पार्टी करेगी अच्छे से काम, हमेशा क्यों LG के बीच में और केजरीवाल जी के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, क्यों फैसलों के बीच में तकरार आ जाती है उनके बीच में? मुठभेड़ बोल रहे हैं, गोली वाली चल जाता है, केजरीवाल जी का बस चले तो गोली वोली चला दे दिल्ली में, ऐसा है? हाँ जी, चलिए देश में चुनाव भी है 2-3 महीना, वोट उठ देते हैं? नहीं, अभी मेरे को वोटर आईडी कार्ड बनवाना है अपना। बनवाना है मतलब हो गया, इस बार देना है? इस बार वोट देंगे, जरूर देंगे। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए आप, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, हम इसको मिटा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं था क्या? राहुल गांधी जाने हम नहीं, हम अभी हैं, हम 2004 में मेरा जन्म हुआ, अभी हमने हिंदू मुस्लिम दंगे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जब 2019 में दंगे हुए थे, हमारे बोर्ड के पेपर थे 10th क्लास के, कुछ बच्चे जो उस साइड रहते थे, मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा, वेस्ट दिल्ली थी या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के नेता शामिल थे, ताहिर हुसैन शामिल थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो और राहुल गांधी जी की बात रही, हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, किसी मुस्लिम को छेड़ा गया? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनने में आया। किसी भी देश भर में कहीं से भी सुनने को आया? तो ऐसा कहाँ कह सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मतलब इस सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस सरकार के कुछ काम आप जानते हैं, जो 10 सालों में कुछ काम सरकार ने किया हो? क्या क्या कुछ काम बताएं? मनरेगा सर्विस गांव में, आप मेरे गांव में मनरेगा, जो लोग मनरेगा का काम करते हैं उनको टाइम से पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, गाँव में लोगों को पेंशन मिलती है। एक बार बताइए, एक बूढ़ी माँ जो कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको 700 रुपये अपने महीने के मिल रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत मदद होती है कि नहीं होती? बिल्कुल, मानता हूँ 700 रुपये कुछ नहीं होते, लेकिन 700 रुपये की मदद एक बूढ़े इंसान के लिए बहुत कुछ हो जाती है। कम से कम दर्द का जो तेल वेल होता है, दवा ववा होता है, वो तो ले सकते हैं, मूव वगैरह ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं वो, जो भी उनको मदद आए। ऐसा है। सरकार किसकी बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2024 के अंदर। कितने सीट आएंगे? सीट 400 प्लस आएगी। 400 प्लस क्यों?
काम ही देख लो ना, क्या काम करा जैसे, क्या काम करे, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर वो सुलझा दिया उन्होंने, राम मंदिर बना के दिखा दिया, और क्या चाहिए। 500 सालों का स्ट्रगल, 500 सालों का स्ट्रगल, 1 साल कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं राम मंदिर बन पाया था, कांग्रेस का मुद्दा सुलझ गया, और क्या चाहिए। लोग बोलते हैं काशी चाहिए, मथुरा चाहिए, पीओके चाहिए, सब आएगा धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। सेक्शन 370 भी तो हटाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला है कि नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा ये विपक्ष आरोप लगाते रहती है कि अगर ये सरकार 24 में बन गई तो लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। ऐसा लोकतंत्र पे खतरा आ रहा है, बताओ मुझे कहां लोकतंत्र पे खतरा दिख रहा है। कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में डाला, राहुल गांधी तो कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी का क्या सुन सकते हो, जैसे पग यात्रा करी और तीन राज्य हार गया, और एक बंदा जो थोड़ी सी यात्रा कर देश की जीडीपी बदल रहा है, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, उनके जवाबों को कैसे पूछ सकते हो। राहुल गांधी तो ये भी बोल रहा था आलू से बिजली बनाएंगे, सोना बनाएंगे। 15 लाख मोदी जी ने भी बोला था क्या, वैसे तो 15 लाख की बात मोदी जी भी बोले थे। मोदी जी ने बोलता 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, डेवलपमेंट होगी भारत की, इस तरीके से सबके बैंक 15 लाख होंगे तो वो सब होगा धीरे धीरे। 2024 सरकार बनेगी, उसके बाद 5 साल बाद दोबारा बनेगी, एक दिन जरूर होगा। मतलब एक तरफ का भाषण बढ़िया से सुन लिए, एक तरफ का नहीं सुने, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा, बुराइयां नहीं सुनते हम भी कहीं नहीं सुनते। एक्सेप्शन हर जगह होती है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही अच्छी है या फिर ये बिल्कुल ही बुरी है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। कांग्रेस ने भी कुछ काम बिल्कुल अच्छे करे। ओवरऑल पूछा जाए आप दोनों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 में से रेट करने, तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 9 नंबर। आप कितना देंगे? 10 दूंगा। 10 में 10। लोकसभा चुनाव में कितना सीट दे रही है जनता उनको? कितना सीट दे रही है? हाँ। इस बार 2024 में 400 प्लस आएगी। 400 प्लस है। हाँ। आप भी 400 प्लस पे? 400 प्लस।